हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, पीसीबी का सरफराज अहमद को ओहदे से हटाने का फैसला। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने सरफराज अहमद को कप्तान के ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, इनकी जगह बाबर आजम को नया कप्तान बनाए जाने का कवि अमकान। दोस्तों, वीडियो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोग भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चाहने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी आसान मानी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की तब्दीली का फैसला किया है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए का कहना है कि सरफराज अहमद की कारकर्दगी मुतासर को नहीं, दोस्तों इसलिए इन्हें तब्दील किया जा रहा है। दोस्तों, ज़राए ने बताया कि सरफराज अहमद की जगह बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाने का अमकान रोशन है। दोस्तों, ताहम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान का ऐलान पाक श्रीलंका सीरीज़ के बाद मुतवक्का है। दोस्तों, क्या बाबर आजम को नया पाकिस्तान का कप्तान बनाया चाहिए या नहीं, हमें अपना जवाब कमेंट में लाजमी दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज़ देखना चाहते हैं सबसे पहले तो बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलें।